है जो कि आपने टोटल रिव्यू में जहां भी है वहां पे ऑब्जर्व किया होगा। अगेन बाकी के कलर अब तक हमें शो नहीं किया गया। एक बात अगर आपको बता दूं तो BLDC मोटर जो है वो परफॉर्मेंसेबल नहीं होती। कई लोगों का ये भी सवाल निकल कर आ रहा है कि भाई लोग आप लोग ये गलत चीजें मत बोलिए, ये प्री प्रोडक्शन मॉडल है जो कि रिव्यू में हमें दिखाया जा रहा है, उसे हम समझ सकते हैं, बट ये सीट का जो था गाइस वो बहुत ज्यादा बुरा था, जो कि एक ऑथेंटिक रिव्यूअर अपने चैनल में तो बोलेगा। तो उस हिसाब से इसका जो चैसी है जो अपग्रेड कर चुके हैं ये लोग, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के नाम से हमें समझ में आ रहा है, जो कि बस कुछ दिनों में आपके आसपास स्कूटर आ जाएगा। इसका इशू बिल्ड क्वालिटी का बस ये आता है दोस्तों कि इसके अंदर थोड़े से नॉइस आने लगते हैं, और साथ ही बहुत सारे लोगों की बुकिंग भी है वो कंफर्म हो चुकी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चांडा ब्लॉग। तो फाइनली गाइस, मैंने अपने चैनल पर ओला S1 एयर के जो यूट्यूब पर रिव्यू निकल कर आए उन डिटेल्स के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि हमारी शॉर्ट अपडेट थी। लेकिन गाइस, अब मैं आपके लिए इसका प्रॉपर एक एनालिसिस लेकर आ गया हूँ, जिसके अंदर आपको सारी चीजें जो भी आपके लोगों के उस पे कमेंट आए उन लोगों के सारे सवाल मैं आप इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ सवाल निकल कर आ रहे हैं कि इनका बोलना है कि मैं अगर पेमेंट कैंसिल कर दूं तो चलेगा क्या, क्योंकि मेरे हिसाब से गाइस ये रिव्यू देखकर डर गए हैं। इट मींस मेरा कहने का मतलब ये, किसी को भी अपना पैसा जब इन्वेस्ट करने के बाद ऐसी चीजें सुनने मिले तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, वो भी उस वक्त गाइस जब ओला से आपने बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखी हो। और मैं खुद और बाकी यूट्यूबर भी जो आपको वीडियो चैनल पर दे रहे हैं, उन्होंने भी आपको ये बताया कि स्कूटर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, बट गाइस हमें ये नहीं पता था कि प्रैक्टिकल इन टर्म ऑफ इन्होंने सिर्फ फिजिकली इसे बना दिया है, बट अंदर से इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है एज पर रिव्यू जो हिसाब से हमारे सामने निकल कर आया है। तो अब कई लोगों का ये भी सवाल निकल कर आ रहा है कि भाई लोग आप लोग ये गलत चीजें मत बोलिए, ये प्री प्रोडक्शन मॉडल है जो कि रिव्यू में हमें दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले मेरा एक आंसर है ओला कंपनी को गाइस कि अगर कोई कंपनी अपना स्कूटर रिव्यू के लिए भेजती है तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा बेहतरीन मॉडल होता है। हाँ, इसमें कुछ पैनल गैप्स हो जाए, जैसे इन्होंने सीट वगैरह का बताया तो इसे हम समझ सकते हैं, बट ये सीट का जो था गाइस वो बहुत ज्यादा बुरा था, जो कि एक ऑथेंटिक रिव्यूअर अपने चैनल में तो बोलेगा ही। लेकिन गाइस अगर आप देखो तो ये जो सीट का इशू है ये हमारे S1 और S1 Pro में भी सेम टू सेम था, तो जिस वजह से छोटे मोटे प्रॉब्लम मुझे एज इट इज दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इन्होंने ड्यूल फॉक चेंज कर दिया है और फ्लैट फुटबोर्ड कर दिया है, अदरवाइज मेरे हिसाब से अब इसमें कोई भी चेंज नहीं बचता है। बस ये स्कूटर बस फिजिकली प्रैक्टिकल हो जाएगा, और उसी के साथ इसमें हमें सिर्फ पैनल गैप्स नहीं दिखा दे रहे, जो कि इसके बारे में तो डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस तो मैं अपने रिव्यू में ही आपको दे पाऊंगा। और साथ ही मैं आपको ये अपडेट बता दे चलूं कि बस कुछ दिनों में आपके आसपास स्कूटर आ जाएगा, और अपने भी चैनल पर जो रिव्यू है गाइस वो बहुत जल्द अब आएगा, क्योंकि गाइस हम भी कई दिनों से बोल रहे हैं, बट यहां पे स्कूटर ना आने की वजह से ही हमें रिव्यू नहीं मिल पा रहा है, अदरवाइज मैं आपके लिए जरूर ले आता। क्योंकि गाइस इसका जो प्लेटफॉर्म है वो अब जेन 2 का यूज किया गया है, जिसमें कि ड्यूल फोक आने वाले हैं, जो कि आपको ओला की अपकमिंग लाइनअप में दिखने वाले हैं। तो उस हिसाब से इसका जो चैसी है जो अपग्रेड कर चुके हैं ये लोग, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के नाम से हमें समझ में आ रहा है, जिसके ऊपर जो ड्यूल फोक और जो फ्लैट फुटरेस्ट है उसे इन्होंने मैनेज किया है। बाकी सारी चीजें तो यहाँ पे सेफ टू सेफ कैरी फॉरवर्ड की गई है, जैसे कि इसके फुटरेस्ट देख लो, उसके बाद में चार्जिंग कैप देख लो, उसके बाद में लाइटिंग हो गई, सब कुछ। सिर्फ अब इसमें एक बचा था गाइस BLDC मोटर का डिफरेंट, जो कि मेरे हिसाब से मुझे 100% डाउन था। बिकॉज गाइस एक बात अगर आपको बता दूं तो BLDC मोटर जो है वो परफॉर्मेंसेबल नहीं होती। इनका अगर आपको रेगुलर यूज में बेनिफिट लेना है तो ही आप ले सकते हो। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल देने के लिए समझाऊं तो अगर आप मैग्नस चला चुके हो तो मैग्नस से 20% ये स्कूटर ज्यादा होगा और लगभग सिमिलर रेंज आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके अंदर जो हमें मोड़ देखने मिल जाते हैं इसकी वजह से आपको रेंज भी इसकी बहुत जल्द ड्रॉप देखने मिल सकती है, क्योंकि गाइस BLDC मोटर को घुमाने के लिए बहुत ज्यादा बैटरी कंजम्पशन हो जाता है। और वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको बता दूं गाइस तो इसमें अगेन हमें नियॉन कलर ही शो किया गया है, जो कि आपने टोटल रिव्यू में जहां भी है वहां पे ऑब्जर्व किया होगा। अगेन बाकी के कलर अब तक हमें शो नहीं किया गया, जो कि मेरे हिसाब से अब तो दिखा देने चाहिए थे, क्योंकि गाइस हमें भी ये कलर देखने थे, जिन लोगों ने बुक किया है उनको भी ये कलर देखने थे कि हमारा जो स्कूटर है इन रियल लाइफ इन रियल वीडियो में हमें कैसा देखने मिल सकता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर स्पीकर वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात निकल कर आ रही है। लेकिन गाइस उसी के साथ में एक यहां पर अगर डाउनग्रेड देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा बुरा निकल कर आ रहा है, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर हर रिव्यूअर ने ये सवाल किया है, और इन लोगों का कहना है कि ये जैसी बाहर से दिख रही है वैसी नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइस बिल्ड क्वालिटी को लेकर आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि पिछले बार भी जब S1 और S1 Pro को बेकार कहा गया था, जब मैंने भी अपना स्कूटर लिया था, मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, ऐसा लग तो रहा था, बट गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से काफी लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ये जो आंसर है काफी लोगों की हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने में भले ऐसी लगे लेकिन एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है। मैं मेरा स्कूटर 12,000 किलोमीटर चला चुका हूं, इसका इशू बिल्ड क्वालिटी का बस ये आता है दोस्तों कि इसके अंदर थोड़े से नॉइस आने लगते हैं, और उसके बाद में जो फाइबर क्वालिटी है वो एक मेक पे टकराने की वजह से बहुत ज्यादा स्कूटर नॉइस करने लग जाता है। और कुछ नहीं, इसके लिए आप रेगुलर टाइम टू टाइम अपनी सर्विस करा सकोगे, लेकिन आपको इसमें कोई बड़ी दिक्कत देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि अदरवाइज इसमें जो प्रॉब्लम्स आते थे वो सस्पेंशन का था, वो तो अब हट चुका है, और उसी के साथ इसका टर्निंग रेडियस वगैरह भी सेम होगा। सिर्फ इसमें प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका है, जो कि हमारी नेक्स्ट जन आने वाली जो ड्यूल सस्पेंशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसी के साथ अब बात कर लेगा इस लैग और फीचर्स की, जो कि अभी मैंने जो लास्ट वीडियो ड्रॉप किया है उसके अंदर आपको बताया है कि इसके अंदर जो लैग और टेम्परेचर वगैरह का इशू दिख रहा है, तो वो गाइस आपको आना ही है, बिकॉज इसमें बैटरी सेम है। उसके बाद में MOVS 3 जो है वो सेम टू सेम OS इसके अंदर आती है, तो आपको ये सारे इशू तो देखने मिलेगी। और जो लोगों को लग रहा है कि वहां पे ये प्री प्रोडक्शन मॉडल है, वहां पे ये ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, हमें आने के बाद नहीं मिलेगा,
तो इस मिथ में आप मत रहिएगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है अभी हम खुद भी यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बग्स है, जो कि जब रिव्यू में ये आते थे मैं समझ गया कि सेम टू सेम इसमें भी होने वाला है, जो कि 100% आपको इसमें देखने मिलेगा। बट इसके लिए आपको डरना नहीं है, स्कूटर की आपको आदत हो जाएगी और इसे रिबूट करना आप सीख जाओ तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा, जिसके वीडियो ऑलरेडी अपन ने चैनल पर डाली भी है। और बाकी हो गई फीचर्स की बात, इसमें क्रूज कंट्रोल एड ऑन कर दिया गया है, फ्लैट फुटरेस्ट वगैरह, ड्यूल सस्पेंशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, बस BLDC मोटर जो है गाइस वो थोड़ा आपको लैग फील करवाएगी और थोड़ी परफॉर्मेंसेबल नहीं रहेगी, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो मेरे हिसाब से अपनी जो डेली रनिंग है और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझिए कि ये स्कूटर जो है सिर्फ सिटी पर्पस के लिए बनाया गया है, जो कि एकदम नॉर्मल रेंज आपको देगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए और अगर आपको ये पॉकेट फ्रेंडली लगती है तो ही लीजिए, वरना अदरवाइज आप स्कूटर के ओला के जो आने वाले लाइनअप के स्कूटर है उनके लिए भी थोड़ा वेट कर सकते हो। बाकी गाइस इसमें और भी कुछ पॉइंट छोटा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और साथ ही बहुत सारे लोगों की अब बुकिंग भी है वो कंफर्म हो चुकी है और वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं, बस अब स्कूटर 15 अगस्त के बाद में डिलीवरी के लिए स्टार्ट हो जाएगा और उसके पहले आपको टेस्ट राइड मिल जाएगी। तो अगेन मैं आपको यही कहूंगा, जो अब न्यू बायर्स है वो तो प्लीज अपनी स्कूटर को टेस्ट राइड करने के बाद ही बुक करिए, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, न्यू स्कूटर बहुत जल्द अब एक से एक आने वाले हैं। तो आई होप ये जो आपको छोटी सी एनालिटिक्स है हमारे जो रिव्यू के डिटेल के अंदर हमसे कुछ मिस हुई हो और जो अपने सब्सक्राइबर भाई के सवाल जवाब थे उसके ऊपर अब मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दे पाया हूं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और कुछ छूटा हो तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी इसमें छूट जाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर करेंगे, जिसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हो। टेक केयर, बाय।